हेलो गाइस वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग वीडियो तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नए अपडेट से रिलेटेड मिथ्स बताने हो तो बिना किसी देरी के कि इस वीडियो को शुरू करो तो आप लोग तो इस वीडियो पे नए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो हमारा पहला मिथ होने वाला है अपने गेम के अंदर नए अपडेट के बाद अगर हम लोग फायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो भाई उसका बटन वाई रेड कलर में हो जाता है तो मैं बिना ना कैसे दे के इसको चालू कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं फायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो भाई इसका जो भाई मुक्के का ऑप्शन आता है भाई वो रेड कलर में हो जाता है भाई नए अपडेट के बाद ये सब हुआ है नए अपडेट के पहले ये सब कुछ नहीं था तो आपने कैम करना जब से नया अपडेट आया तब से भाई हम लोग को ये मुक्के वाला देखने को मिल गया है बस ये भाई इसी बटन से होता है और कोई भी बटन अगर हम लोग ट्राई कर ले तो उससे नहीं होगा तो भाई हैं और सब्सक्राइब करना न भूलिए तो हमारा हम लोग नहीं मार सकते बंदूक से तो मैं जल्दी अपने गेम के अंदर डॉग को मंगा लेते हो भाई लगता है नए अपडेट का डॉग चेंज हो चुका है तो मैंने 600 सौ डाल कर अपने गेम के अंदर डॉग को मंगा लिया उसके बाद मैं बंदूक निकाल के इसको मारने वाला हूँ तो भाई देखते भाई मरता है कि नहीं तो भाई मैं जल्दी से बंदूक को निकाल लिया है तो मैं जल्दी से उसको फायर करता हूँ इसके ऊपर तो मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग देख सकते भाई अपना जो डॉग था भाई ये मर चुका है तो भाई मिथ में था ये नहीं मरेगा डॉग पर हम लोग ने इस डॉग को मार दिया है और भाई इसके अंदर हम लोग राइड भी कर सकते हैं इस डॉग से उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोग इस वीडियो पे नए आए तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो भाई ये मिथ बस है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ क्योंकि भाई इस डॉग को हम लोग ने मार दिया है तो अभी भाई ये जो मिथ है भाई मिथ बचते हैं हम लोग जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ तो हमारा अगला मिथ होने वाला पुलिस स्टेशन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे नाइट मोड लगाते तो भाई इसके अंदर जो लाइट है भाई ये सारी जलने लगेंगी तो नाइट डायल करने के बाद हम लोग ने नाइट मोड को ऑन कर लिया है तो आप लोग देख सकते भाई नाइट मोड लग चुका है और भाई आप लोग देख सकते भाई जो लाइट है भाई ये सब जलने लगी है और उसके साथ साथ भाई पुलिस स्टेशन के अंदर की लाइट भी जलने लगी है जहाँ का पुलिस स्टेशन के अंदर भी लाइट लगी हुई है और ये भी सब जो सारी जलने लगी आप लोग देख सकते भाई कितना भयंकर लाइट जल रही है भाई आधा वाइट और आधा ब्लैक एंड भाई क्या कॉम्बिनेशन है तो भाई हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी ऊपर वाले फ्लोर पे भी चेक कर लेते हैं भाई वहाँ के लाइट जलते हैं कि नहीं और क्यों वहाँ पे लाइट लगे हैं कि नहीं जो जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ भाई ऊपर वाले फ्लोर पे तो ऑल राइट गैस में ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका तो आप लोग देख सकते भाई यहाँ पे अभी लाइट नहीं लगी है बस ये भाई अभी बना हुआ क्या होता है नेक्स्ट अपडेट जो आए अपने गेम के अंदर दोबारा से उसमें हम लोगों को इस वाले ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ देखने को मिल सकता है फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ अपडेट में नहीं आया है बस नीचे ही भाई सारी लाइटें जल नहीं है तो भाई हमें कन्फर्म है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ तो हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर अपने लोग अपने गेम के अंदर पल्सर को एक्सपॉन्ड करते हो भाई उसका जो मीटर होता है भाई स्पीड वाले वो नहीं चलता है तो भाई मैं पाँच हजार डाल करने ने अपने गेम के अंदर पल्सर आर एस टू हंड्रेड मंगा लिए तो भाई नेक्स्ट अपडेट नए ने अपडेट में भाई ये चेंज हो चुकी है भाई इसके कलर भाई ये भी पूरा चेंज हो चुका है बाइक तो मैं इसकी स्पीड भाई चेक कर ले तो भाई मीटर तो भाई ये चल नहीं रहा है भाई मीटर जो है भाई ये रुका हुआ है आप लोग देख सकते भाई इसका जो मीटर भाई एक परसेंट भी नहीं चल रहा है ये सेम ऐसे ही रुका हुआ है तो भाई इसलिए मिथ बस्टेड है मैं कन्फर्म है सॉरी कन्फर्म है ये मिथ तो लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ तुम्हारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर बोर्ड को अगर लेके जाएंगे और भाई जो ये पोल मतलब जो ये स्विमिंग पोल है भाई इसका जो आखिरी पॉइंट नहीं आता वहाँ तक अगर हम उसके पार अगर हम लोग जाते तो तो भाई हम लोग नीचे गिर जाते थे तो पर हम लोग अगर बोट के साथ जाएंगे तो हम लोग फिर से दोबारा वापस आ सकते हैं तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ तो थ्री जीरो जीरो वन के साथ मैंने मंगा ली है बोट को मैं जल्दी से इसके अंदर बैठ के चलते हैं भाई हम लोग इस पानी के आखिरी एंड तक भाई इसका एंड कहाँ पर होता है वहाँ तक हम लोग चलेंगे तो मैं बिना किसी देरी के इसको बहुत स्पीड में ले चलते हैं तो भाई देखते हैं भाई इसका एंड पॉइंट किधर है क्योंकि भाई एंड पॉइंट तो इसका हो गई और अगर आप लोग इस वीडियो नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं जल्दी जल्दी इस बोर्ड से चलता हूँ भाई क्योंकि भाई अभी बहुत ही दूर है भाई इसका एंड पॉइंट तो भाई देखते हैं कहाँ तक है तो ऑल राइट गैस में बहुत ही दूर आ चुका हूँ पर अभी तक मुझे उस ए इस पानी का एंड नहीं मिला तो आप लोग देख सकते भाई चारों तरफ भाई कुछ मुझे दिख नहीं रहा बस पानी पानी चारों तरफ है मुझे नहीं पता भाई अभी मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आधे घंटे से इसमें लगा हूँ तो भी मैं नहीं पहुंच पाया तो ऑल ड्राइड गाइस मैं आ चुका हूँ भाई आप लोग देख सकते भाई यहाँ पे हम लोग नीचे गिर जाते थे पर अगर हम लोग अपने गेम के अंदर बोर्ड चाहेंगे तो हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे हम लोग दोबारा से वहाँ पे चलते तो भाई मैं इसको जल्दी से मोड़ लेता हूँ रेड लेफ्ट लेफ, लेफ्ट की तरफ मतलब सॉरी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग फिर से चढ़ने वाले पानी पे तोल राइड गाइस मैं बस चढ़ने वालों तौल डाइड चढ़ चुका हूँ भाई इसलिए मिथ कंफर्म है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर डायनासोर को कोई रिस्पांस करते हैं उसके बाद आज ये स्टॉल के अंदर जाने के बाद अगर अटैक लिखते हैं तो भाई ये लोग अपने आप ही को मारने लगते हैं तो फाइव फॉर डायल करने के बाद मैंने टी रेक्स को मंगा लिया है उसके बाद मैं आज ये स्टॉल के अंदर जाके लिख देता हूँ अटैक यहाँ से अटैक हम लोग लिख देते हैं आज ये स्टॉल के अंदर जाने के बाद तो मैंने अटैक को लिख दिया है टूल के अंदर आने के बाद तो ऑल राइट गई मैंने तो लिख दिया भाई अटैक उसका मैं इसको सही पे क्लिक कर करे तो भाई अटैक मोड ऑन हो चुका है तो मैं अब इस बंदूक से इस डायनासोर को भाई नीचे तरफ में गोलीफाई कर देता हूँ तो ये डायनासोर अपने आप ही अपने आप को ही मार लेगा तो आप लोग देख सकते भाई नीचे कुछ खार है मतलब कुछ मारने के टाइप के कर करा है और ये खुद ही मर चुका है तो मैं अब दूसरे डायनासोर को बुला लेता हूँ तो फाइव टू के चिटकोट से हमारा दूसरा डायनासोर आ जाता है ए, स्पेनो, आ जाता है तो भाई इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं तो भाई मैं नीचे गोली चलाता हूँ टॉल ड्राइड गाइस ये भी कुछ भाई नीचे से कुछ ऐसे खा रहे भाई उसके बाद अपने आप ही ये मर जाएगा टॉल ड्राइड गाइस ये भी मर चुका है उसके बाद अब मैं मंगाने वाला हूँ भाई दूसरे डायनासोर को भाई तो जल्दी से मैं डायल कर देता हूँ फाइव थ्री जी हाँ गाइस फाइव थ्री डायल करने वाला अपने गेम के अंदर ब्रेच डायनासोर आ जाएगा और भाई जो ये डायनासोर है भाई ये मतलब बहुत ही अच्छा डायनासोर है ये ना किसी को मारता है ना ना ये खुद मरता है तो मैं इसको भी ट्राई कर लेता भाई इसको मार के तो रट गए ना, ना ये किसी को मारता है तो भाई ये डायनासोर बहुत ही अच्छा डायनासोर है पर अगर हम लोग यहाँ पे किसी डायनासोर को बुला के अगर इसको मारते हैं तो भाई देखते हैं भाई पता नहीं ये मर पाएगा कि नहीं तो मैं इस डायनासोर को बुला ली स्पिनो को उसके बाद मैं उस बड़े वाले डायनासोर को ऊपर वही फायर कर देता तो भाई ये जो डायनासोर भाई उसके पास जाने लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो देखते हैं भाई उस वाले ब्रेज दाइन, डायनेसोर को, को ये मार पाएगा स्पीन की नहीं तो भाई वहाँ पे पहुंच चुका लगता है वहाँ पे फाइट चालू है ये खड़ा है भाई बड़ा वाला डायनासोर और भाई ये बड़ा वाला डायनासर जो है भाई वो गिर के मर चुका है तो भाई मित कन्फर्म है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिच की तरह तो हमारा अगला मिथ होने वाला है गेम के अंदर आज के अंदर बहुत सारे अपडेट आए भाई नए अपडेट के बाद तो मैं उस मतलब पूरे आज नाजी स्टोल के अपडेट में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो मैं जल्दी से आ चुका हूँ और ये स्टोल के अंदर का हम लोग इस तरह लिखते हैं अटैक भाई जल्दी इस अटैक लिख देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अटैक लिखने बाद हम लोग का जो टारगेट मोड है भाई ये ऑन हो जाता है और अगर हम लोग टारगेट भी लिखते हैं तभी भी हम लोग को जो टारगेट मोड है वो भी ऑन हो जाएगा मतलब दो, दोनों दोनों का मतलब सेम ही होता है भाई मैंने टारगेट लिखा तो आप लोग देख सकते हैं फिर से टारगेट मोड मोड जो है भाई वो ऑन हो चुका है तो भाई मिथ कंफर्म है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ के हमारा तो आखिरी मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर के मैन बनते हैं उसके बाद बोर्ड के अंदर बैठते हैं तो भाई होगा मैजिक तो मैं जल्दी से सेट्टी के मैन बन जाता तो हूँ आप लोगों को पता ही होगा इष्टी के मैन कैसे बनते हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे के स्टीम गिरा देते तो हूँ भाई नीचे तो यहाँ पे जल्दी बहुत सारे स्टिकी बम मैंने गिरा दिए तो इसके पास अब मैं के हेल्थ लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी बम लगा दिए तो मैं जल्दी चलता हूँ अब इसके पास और मैं ऑलरेडी इसमें आ चुका स्टिकी बम के ऊपर और मैं जल्दी सब लगा लेता तो इस, मतलब इन्फीनाइट हेल्थ वरना हम लोग मर जाएंगे भाई गिरने के बाद तो मैं नाइन वन टू नाइन के चीट कोड से मैं लगा लू, लूंगा इन्फिनाइट हेल्थ तो मैंने इंफीनाइट हेल्थ लगा लिए उसके बाद मैं वन वन सॉरी वन वन टू जीरो वन सॉरी भाई मुझे समझ ही नहीं यार वन वन टू जीरो के चिटकोड से मैंने लगा लिया है स्काई फॉल जी हाँ गाइस मैंने स्काई फॉल लगा लिया है वन वन टू जीरो के चिट से तो स्काई फॉल लगा स्काई फॉल हम लोग ने लगा लिया तो मैं जल्दी सब जल्दी जल्दी हम लोग नीचे चलते हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को जो स्टिकेम था वो अपने शरीर के अंदर पूरा लग चुका है तो मैं जल्दी सब उठ के चलता हूँ भाई जल्दी से बोर्ड के पास और बोट के अंदर बैठ के भाई देखते हैं भाई क्या होते हैं मैजिक तो मैं जल्दी चलता हूँ स्विमिंग पूल के पास उसका भाई देखते हैं भाई क्या होता है मैजिक जब तक मैं वहा चल रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मैं आ चुका हूँ भाई स्विमिंग पूल के पास वो मैं लिए सब थ्री 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 जीरो जीरो वन ची एट को डायल करने वाले अपने गेम के अंदर तो बोट आ चुका है तो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ तो आप लोग देख सकते भाई ये जो बोट है भाई ये गोल गोल घूमने लगा है यहाँ हाँ का आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग कैमरा एंगल चेंज करते हैं तो बहुत ही और भयंकर लगते हैं तो आप लोग देख सकते भाई बहुत ही भयंकर मैं घूम रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं है तो भाई मेथ कन्फर्म है तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतनी है अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए नेक्स्ट वीडियो में और सारे मेथ्स बताऊंगा नए नए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टाटा बाय बाय